बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तौफीक विद कुकिंग चैनल में आपका वेलकम है। आज हम बना रहे हैं ग्रीन मसाले भुने हुए चने, बहुत ही यमी और टेस्टी बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 किलो पानी जो है ना गरम करने के लिए रखा था, और अल्लाह पाक से दुआ ही होती है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। मेरी तहे दिल से दुआ है, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब मुझे सपोर्ट करते हो, बहन भाइयों की बहुत बहुत मेहरबानी आप सब की। अल्लाह पाक आप सबको खुश करे, आबाद रखे, और अल्लाह पाक आप सबको खुशियाँ नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। जहाँ भी रहो खुश और आबाद रहो, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने चने लिए हैं, बहुत ही यमी और टेस्टी है। मैंने 1 किलो लिया था तकरीबन, और आधा किलो चने निकले हैं, आधा किलो जो है ना गायब हो गया। तो यहाँ पे छिलके थे, बहुत छिलके ज़्यादा थे, और चने यही निकले हैं। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। पहले बॉयल करेंगे, फिर इसको जो है ना मसालों में भूनेंगे। कुछ ऐसे भी चने थे, ये बिल्कुल पक चुके हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी चने हुए थे, मैंने आप लोगों को दिखाना था। तो चने पक गए थे पूरी तरह, तो ये इसमें तो थोड़े बहुत थे इसमें, तो मैंने ये निकाल दिया आप लोगों को दिखाने के लिए। ये पक गए हैं पूरी तरह, अच्छी तरह से। तो चलिए इनको इसमें डाल देते हैं। अब इसमें जो है ना तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, का 1/2 टीस्पून के करीब, और तकरीबन इसमें जो है ना 1/2 टीस्पून भी लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड करेंगे। तो चलिए जी, यहाँ पे है ना जो लाल मिर्च पाउडर और जो नमक है मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप लोग देख सकते हो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, भुने हुए चने माशाल्लाह बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपने घर में ट्राई कीजिए, अपने बच्चों को और बड़ों को खिलाएं। तो चलिए इनको गलाने के लिए रखते हैं, कुछ मिनट इनको गलाएंगे, फिर इसको जो है ना भून लेंगे मसालों में। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये जो भुने हुए चने हैं और मैंने बॉयल कर दी है, अल्हम्दुलिल्लाह गल चुके हैं। तो अभी इसमें जो है ना मैंने एक सब्ज़ जो है ना लहसुन लिया है सब्ज़, और एक छिलका उतार के मैंने इनको जो है ना टमाटर को छिलके उतार कर मैंने इनको जो है ना बारीक बारीक चॉप करके काटा है, पर मैंने टमाटर के जो छिलके हैं मैंने उतार लिए हैं। आप लोग भी टमाटर के छिलके उतार लेना, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो मैंने इसमें डाल दिया, चने जो है मेरे वो बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके हैं। टमाटर को जो है ना इनको जो है ना तकरीबन इनको भून लेंगे, इनको गलाने के लिए रखेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह चने जो है ना वो भून गए हैं और पानी भी सूख गया है, तो अभी इसमें मसाले डालूंगा। ये हैं कुटे हुए धनिया 1/2 टीस्पून, ज़ीरा 1/2 टीस्पून से भी चुटकी भर, काली मिर्च है चुटकी भर, और चुटकी भर है लाल मिर्च पाउडर। ये है आचारी गोश्त मसाला 1/2 टीस्पून, और ये हैं हल्दी 1/2 टीस्पून से भी चुटकी भर। तो चलिए इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे, और अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग देखते हो अब इसमें डाल देंगे एक नींबू का रस है, वो भी इसमें जो है ना ऐड करेंगे। नींबू का रस मैंने इनमें जो है ना छिलके नहीं उतारे थे, और छिलके सॉरी
इसमें जो है ना छिलके समेत मैंने इसमें डाल दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनता है। चलिए इनको तकरीबन 2 से 4 मिनट इनको पकाएंगे, भूनेंगे, फिर इसमें जो है ना डिश आउट करके आप लोगों को दिखाएंगे। अब तकरीबन इसमें तकरीबन 3 टीस्पून मैं इसमें ऑयल डालूंगा, ऑलिव ऑयल ऑयल मैं इसमें ऐड करूंगा। मुझे ऑयल जो है ना लास्ट में डालना है, अगर आप जो है ना ऑयल तकरीबन 2 टीस्पून इसमें डाल सकते हो तो आपकी मर्जी है, अगर आप ना डालें तो कोई बात नहीं, ऐसे भी चने जो है ना भून कर हम खा सकते हैं चाट की तरह, यहाँ पे जो है ना नान के साथ, चपाती के साथ जो है ना चाइनीज़ राइस है ना, चाइनीज़ चावल, उनके भी साथ जो है ना बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनते हैं। आप लोग भी अपने घर में ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, ये भुने हुए चने बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ग्रीन चने। अगर मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ प्लीज़ वीडियो शुरू से एंड तक देखिएगा प्लीज़ प्लीज़। और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, मेरी तहे दिल से दुआ है, आमीन सुम आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, मुझे बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।